देखिए कैसी बात करी, इसी बात पे अनफॉलो करें से भाई। अभी कट ना करी मैं। शब्बर साहब गड्डी कितने चले गई जे, मेरा तो दिल बैठ रहा है यार यहाँ पे की थी खड़ी। और वो ये है कि फातिमा का टिकटॉक का अकाउंट बैन हो गया। क्या हो गया है, आराम से दरवाजा नहीं बंद होता। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा बड़ी जल्दी बड़ा छोटा सा इंट्रो करके मैं निकल रहा हूँ क्योंकि इतना लेट हो गया हूँ कि शटल बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई, सारे अंदर बैठे हुए हैं, तो कोई गाल गड़ रहे हैं तो कोई कुछ कह रहे हैं, तो एयरपोर्ट पहुँच के अगली बात करता हूँ। आंखों में नींद आई हुई है और समझ लो कि ऐसा डर लग रहा है कि यार पता नहीं शायद काउंटर्स क्लोज हो गए होंगे क्योंकि ये लोग सारे लेट आए हैं। और लेट्स सी एयरपोर्ट पर क्या होता है। हर कबीले के लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कबीले के लोग सब तो बहुत इन्हें लेट कराया भाई। कबीले द लेट कमर चले क्या, आप भी लेट आए। सबसे पहले आके बैठो भाई, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है यार आप लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब हर वक्त लेट है ना यार। अब फाइनली बोर्डिंग पासिस तो मिल गए हैं सबको। अब इस चीज का खतरा तो टला कि यार जहाज हमें लेके नहीं जाएगा बिकॉज टाइम पे पहुंच गए, लेकिन दिल करता है गाइस आपके साथ शेयर किया जाए। कि बाथरूम जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे हमें एक और बंदा मिला है। हाँ जी भाई जान। इसको ये बहुत मुश्किल से मेरे हाथ से बचा है, टिकटॉक लाइव पे इसका मेरा फटा है भाई, मुझे माफ कर दे। ठीक है अच्छा जो देखिए कैसी बात करी, इसी बात पे अनफॉलो करें से भाई। अभी कट ना करी। अच्छा इससे ना हर चीज का एक वो पकड़ा हुआ है, आजकल नहीं आदत है इसकी, अभी नाक में हाथ ला के नाक की भी बीमारी है। कि तूने ये मास्क वास्क क्यों पहना यार, तू पता है फिर आवाम मिलती है, फैंस मिलती है, तो कोशिश ही होती है। हाँ जब तबीयत थोड़ी सी खराब हो ना तो मास्क वास्क पहन लें। तबीयत की खराब हो जाए, तबीयत क्या खराब मतलब तुझे। और ब्रो वजन अलग से आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बीच भी ठीक है। जील साहब क्या कह रहे हैं इधर, इल्जाम मेरे ते ना एक गल नु आ देख लो ठीक है, बूट लथे ने ते मैं ते पैन परफ्यूम कर रहे हैं। ओके पैन सॉरी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पैन सारा दी परफ्यूम कर रहे हैं जी, अपने पंजाब आ गए। नोटी हो रहा यार कितने भाई, इनू बड़े होने का इन्ना को बेनिफिट है ना कि मैं इस बंदे को कुछ नहीं कह सकता है। यही एक बेनिफिट है, व्लॉग नहीं ऑन किया बस एक ही सी। हाँ बस एवं 100-150 डाल जितनी कंपेन उतने व्लॉग, 100-150 डॉलर कट लेना एवं व्लॉग बना के, तो कटना भी उतने जितने पूरा कबीला 1000 डॉलर एक व्लॉग तो जी। क्यों? क्योंकि 900 डॉलर की कंपेन होती ताड़ा की यूट्यूब का दफ्तर चल रहा है व्लॉग 1000 डॉलर एक व्लॉग से। शर्ट लगा लो। ए मेरे को भी बता ना कोई तरीका है भीख मांगने का। ए मेरे को भी बता ना भाई, मुझे यहाँ पे अपनी गाड़ी क्यों नहीं नजर आ रही मेरे मौला। B1 बेसमेंट पे तो खड़ी की थी। शब्बर साहब गड्डी कितने चले गई जे, मेरा तो दिल बैठ रहा है यार यहाँ पे की थी खड़ी। ओह माय गॉड अब क्या करूँ, वहाँ खड़ी थी गाड़ी यार। ओके बी जी आगे देखता हूँ भाई, गाड़ी नहीं मिल रही मुझे और मुझे लग रहा है कोई ऐसी जगह पे खड़ी कर बैठूँ, मैं आप नहीं हो पता कि मैं कितने लाई हूँ। A few moments later. अच्छा भाईजान सीन ये है कि गाड़ी मुझे मिल गई थी, मैं कोई घंटा डेढ़ वहां से ले लूँ बिकॉज मेरा फोन भी बंद हो गया था। और फिर मैं वहां से निकल पड़ा, निकलते मुझे हो गई शाम होते होते, फिर मैं फोन चार्ज किया और मैंने रस्ते में व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैं थक इतना गया था। अभी अभी बस मैं घर पहुंचा हूँ, सामने वाले एक घर में है शादी और हनफिया साहब जो है वो इस टाइम गेट पे आ गए हुए। The next day. So, भाई वेरी वेल गुड मॉर्निंग, सुबह उठा हूँ वाल खिल रहे ने। सीन ये है कि अभी सुबह हो गई है, रात को मैं जब आया था घर, जब मैंने आपको बताया था कि मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो मैं सीधा ऊपर आया हूँ, छोटी दानी सो रही थी और फिर रात के तकरीबन काफी ज्यादा टाइम हो गया था तो मोबाइल भी चूंकि बैटरी लो थी मैंने मोबाइल चार्ज पे लगाया, मुझे नहीं पता मुझे कब नींद आई बट मैं सो गया। सोने के बाद अभी मैं सो के उठा हूँ और पता चला कि जी एक वलीमे पर जाना है और अब मैं वहां पर वलीमे पे जाने लगा हूँ। और जो सबसे बड़ी खबर जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में कहा है कि मैं आपको दूंगा पाकिस्तान उतर के, वो मैं आप लोगों को आज इस व्लॉग में वो खबर सुनाऊंगा, तो पता चलता है कि वो खबर क्या है। टाइटल थंबनेल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो खबर क्या है,
बट मैं आपको समझाता हूँ कि ये आखिर हुआ कैसे। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दानीन जो है वो तैयार हो गई और उसके जो है ये ड्रेस ये पड़े हुए हैं माशाल्लाह से, इसकी वालदा का ये पड़ा हुआ है, बाबा जान जो है उसके वो इस तरह रेडी हो चुके हैं। मेरी कराची के अंदर घड़ी जो थी वो बेसिकली टूट गई थी आफ्टर इवेंट। इवेंट में बस दोस्तों के साथ मजाक में वो कहीं उतरी तो वो टूट गई थी उसकी, वो मेरी पिछली एक घड़ी है, उसकी जाके मैं एक तो पिंडल वाल हूँ और उसके बाद हमें निकलना है एक कज़न के वलीमे पर, तब तक ये लोग भी रेडी हो जाएंगे और हम फिर वलीमे की तो रोटी ही होती है बस, रोटी खा के तो बंदा मगरूला है बस। बात सही है। सलामी सलूमी देनी होती है जो कि मेरे वलीमे से भी यही होया सी, हर एक वलीमे से यही होंगे। सरकार घड़ी की जो मेरी पिन है वो एकदम जो है वो ठीक हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने पहनी हुई है अभी। सो मैं जा रहा हूँ कहाँ, घर फातिमा को और छोटी को पिक करने, वहाँ से पिक करके फैमिली को लेके जाऊंगा मैं वेन्यू पे, खाना खाएंगे और उसके बाद हम निकल आएंगे। तो चलते हैं यार, आपको दिखाते हैं कि हमारी जो गुड़िया और शहजादी है वो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है तैयार होके, और हमारी बेगम कैसी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये तो बड़ी क्यूट लग रही है। बेटा बेटा ओए ओए ना 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 तंग ना कर, तंग ना कर, तंग ना कर। ओके कैसा है, चले चले आओ मेरे साथ चलोगी लॉन्ग ड्राइव पे? आ जाओ आ जाओ, बाबा बेटा चलेंगे हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। ओके आली आली हाली हाली करना जरूर चाहिदा, सब नू ए दसना जरूर चाहिदा। इसे बैठ जाओ इससे पहले कि लग जाए यहाँ से उतर। खैर ट्योटे जे बह रहे हो तुसी, ध्यान से ध्यान से ध्यान। यार ये तुम रेडी हुई हो, मैचिंग मैचिंग ही है मेरे साथ, आज तक नहीं करनी आई तुमने, मैचिंग में तो ये लग रही है। कोई नहीं, आपकी बेटी की मैचिंग एंड टाइम पे खराब हो गई। क्या हुआ? एंड टाइम पे मैचिंग खराब कर दी इसने। हाँ यार ये वाली तो फ्रॉक ही नहीं जो मैंने दिखाई आगे। चलो माशाल्लाह से बड़ी हो गई, वो आई नहीं इसको, पूरी नहीं आई। नहीं ये हमारा गजनी है। अच्छे बीज। मैं शादियों में नॉर्मली इस तरह बोलता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ, शादी ही ऐसी है। निकल रहा है खा लो। A few moments later. वो आना काम तू बहुत अच्छा कर रही ना यार, मैं तेरे को कितनी बार ही आ गया। गाड़ी पे पेट्रोल डलवाने में तो इसका दोस्त वोस्त कहीं वहां पे काम कर रहा था, ओनू शीशे थले कर कहना वेपर मार दे, उन्हें खिंच के लग च मारे। अच्छा जी सीन ये है कि मैंने बताया नहीं आप लोगों को, हम शादी वादी खा के घर भी आ गए थे, शूट करने के लिए खड़े हुए थे ये सामने शीशे पे। मोहतरमा ऐसी लग रही थी, मैंने वहाँ दिखाया नहीं बिकॉज औरतें थी तो मैं वहाँ पे कैमरा लेके जाता, वो मैं वहाँ खुद जाता हूँ, औरतों किसी की माँ बहन ना आ जाए। खैर तो बाकी ये भी अच्छा लग रहा है यार, है ना, कि जराबा की मैचिंग की थी मुंह नाल। तू हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। ए है यो पापा है ब्रो, व्हाट आर ब्लैक सॉक्स, किधर जा रहे हैं यार? जी मेरी विस्टिंग नहीं होती ब्लॉग जी, तो मैं भाई तेरी वाली बच्ची देखती ब्लॉग यार, क्या कर रहा तू पागल है, लॉन्ग तो नहीं ना बता। रहन दे तो मेरी आई बहुत सारी। अच्छा मैं कराची बैठा हुआ था, मुझे अचानक पापा की कॉल आई, मैंने कहा जी क्या हुआ, कहते बेटा ये इसके सीने में दर्द हो रही है, अस्पताल लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा कोई वीलो शीलो रखी होगी, कोई सिगरेट विगरेट पिया होगा इसका, और क्या होगा। बाद में पता चला दाल चावल फंस गए थे सीने में। The next day. अच्छा जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अभी बस मैं सो के उठा हूँ और जा रहा हूँ एक काम, यहाँ पर तकरीबन करीब ही रस्ते में हूँ। अच्छा सीन ये है कि एक बड़ी बुरी खबर है जो कि शायद आपने टाइटल और थंबनेल में देख ली होगी, और वो ये है कि फातिमा का टिकटॉक का अकाउंट बैन हो गया है। 5 साल की मेहनत, 3.6 मिलियन फॉलोअर्स, 36 लाख फॉलोअर्स बनते हैं जो कि सफाए हस्ती से नीस तो नाबूद हो चुके हैं। यानी कि अगर इस तरीके से कहा जाए कि फातिमा की एक पहचान है जिससे वो बता सकती है कि आई हैव
इतने फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया, अब वो वाला अकाउंट बैन हो गया तो ये किसी को बता नहीं सकती, मतलब अब ये सिर्फ ये बोल सकती है कि शब्बर जाफरी मेरा शोहर है। खैर मजाक अपनी जगह, बट मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई फातिमा का अकाउंट जो कि 36 लाख फॉलोअर्स का अकाउंट है, वो जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ था वो जो है वो बैन हो गया। आई डोंट नो व्हाई, उसकी क्या वजह है, शायद इसने कोई ऐसी प्रमोशन की है जिसमें कुछ इलीगल कोई वायलेशन आई है, अब टिकटॉक ने लगाया है, हमने अपील भी की है, बट देखें क्या होता है। लेकिन हम ऐसे मियाँ भी तो नहीं है कि हम रो धो के वीडियो डालें और अगले दिन हमें ड्रिप लगी हो, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि हमारा एक ही वो बिलीव है, एक ईमान है हमारा कि जो कुछ भी होता है वो हमारे मौला की मर्जी से होता है, तो हम इन चीज़ों में इतना ना घबराते हैं। मैंने फातिमा को इस क्लिप में इसलिए लिया क्योंकि अभी मैं वापसी जाता हूँ, तो फिर आपको फातिमा से बात पूछवाता हूँ कि उसके क्या तासुरात। इस दौरानिया में मैं एक और बात सोच रहा था कि फातिमा कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो डिप्रेस्ड है, आखिर औरत ज्यादा है यार, इतना तो बनता है। बट इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको थोड़ा सा घुमाया फिराया जाए, और जो कि उसका बनता है, और मेरा ख्याल है कि वो मुझे इंशाल्लाह जल्द ही कर लेना चाहिए, इससे पहले कि वो बिल्कुल ही मेरे पे तप खड़ी हो और वो सारा गुस्सा अपने अकाउंट का मेरे पे निकाल दे। तो आप लोग बताइए कि कहाँ जाएं हम, कहाँ घूमें, कहाँ इसका थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा। खैर अभी देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। मेरा तो दिल है इधर इस्लामाबाद ही ले जाए यार। अरे इस्लामाबाद से मुझे याद आया, अरे 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 अरे, देयर इज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा भाई, मजे की बात यह है, मैं अपने काम गया था, जो मैंने आपको बताया आते आते वैसे ही शाम हो गई। मैं कुछ काम नहीं बताता बिकॉज हर चीज में कैमरा ओपन करना इज नॉट अ गुड थिंग। अभी बस घर के अंदर सोफे आ गए हुए हैं ऊपर वाले पोर्शन के, वो सोफे अल्हम्दुलिल्लाह लगा लिए हैं, वो बस बंदा लगा रहा है। मैं घर जाके आप लोगों को एक तो सोफे दिखाता हूँ, जो खबर आपको मैंने सुनाई है उसके एक्सप्रेशन हम लेते हैं फातिमा से कि उनके क्या अभी तासुरात चल रहे हैं, फिर उसको सरप्राइज दूंगा कि चलाओ यार इस्लामाबाद चले, देखते हैं क्या कहती है। A few moments later. Azerbaijan, as I told you, के sofas जो हैं वो भी आ गए में, और special thanks to हाफ साहब और भाईजान जिन्होंने इस काविश में बड़ी मदद की। हाफ साहब अच्छा कलर है यार, मतलब जैसा आपने बताया था वैसे ही हुआ। जी। हाफ साहब वैसे क्या शॉप का एड्रेस क्या है आपका? नाम तो मुझे पता है, इतना खूबसूरत नाम है, अल मदनी फर्नीचर। किस जगह पे? ये रेस कोर्स रोड में है, हाजी रमजान वाले गले के बिल्कुल सामने। रेस कोर्स रोड गुजरा, रेस कोर्स रोड जो है, शायद कुछ लोगों को ना पता हो, इतने तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन घोड़ा दौड़ लोग ज्यादातर जानते हैं, अंग्रेजी में तो चलो रेस कोर्स हो गया ना। बाकी कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, बाय द वे बहुत अच्छा है, इसका जो व्यू है वो इन्होंने बदल के रख दिए, प्यारा लग रहा है। बस नीचे का रह गया, वो नीचे का एक दफा बना ले और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। तो भाई सोफा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ है, मतलब रूम की जो डिजाइनिंग है और इस हिसाब से लुकिंग लाइक अ। क्या हो गया है? आराम से दरवाजा नहीं बंद होता, क्या हुआ है? एवरीथिंग्स ओके? तुम्हारे कारोबार पे कोई हाथ आ जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो तुम्हारे कारोबार मैंने बंद किए हैं, क्या हो गया? तुमने किए? मैंने कहा से किए? जो होता है बुरा तुम्हारी वजह से होता है। खाओ मां कसम। अच्छा भाई मेरी वजह से होता है, हाय हाय, अच्छी जिंदगी इनको जितनी मर्जी दो ना, ये अच्छी जिंदगी भी बुरी कर देंगे सिर्फ इतना कह के। हुआ क्या है? अरे हाँ मुझे पता है क्या हुआ है? जो भी होता है अच्छे के लिए होता है यार, क्या हो गया? मौला की तरफ से इम्तिहान है, कोई मसला नहीं। नहीं यार बस हो गया मेरा, आ चले काम है। क्या? आओ इस्लामाबाद घूम के आते हैं। नहीं भाई तुम मजाक में फिर तैयारी सारी करवाओगे और फिर बोलोगे मैं जा। अरे नहीं ये वो वाला तो व्लॉग का पार्ट था ना, इसमें तुझे तैयार नहीं करवाऊंगा। पक्का बात? खाओ मां कसम। हाँ रेडी हो, अभी निकलते हैं। हाँ तुम्हें जरा दुख नहीं है तुम्हारा अकाउंट बैन हो गया यार? वैसे मुझे दुख नहीं है, तुमने मेरी इतनी सी शक्ल नहीं देखी, सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं वाटर फास्टिंग का सोच रही थी, मेरा खुद ही फास्टिंग हो गई है। मैंने इन लोगों को भी दिखाया, मैंने कहा यार वो फातिमा के सामने कैमरा लेके जाऊंगा तपेगी। अच्छा किया। बट नहीं यार तुम इतना नहीं तप रही थी यार, मैं कैमरा ले ही आता। मतलब मैं तो वैसे मैं जालिम मशहूर हूं, मैं तो मारती हूं ना अपने हस्बैंड को। सही। नहीं यार बड़ा प्यार करती है तो बस वैसे ही व्लॉग में इसको मौका मिल। ओए यार पखरे जगू दादा आ गया जी। क्या हुआ यार लड़के? यार हम लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, तूने जाना है? जाऊंगा एक शर्त पे, नहा पहले। मैं ना तू, मैं बड़ा साफ हूँ तेरे वर्गी, मैं लाला लाला रहना चाहिए जी। आप मेरी शर्ट पहना, ये पैंट मेरी पहना।
अपना कख भी नहीं है, मांगा का मौका। ये भी क्या बरगी है, ये इसने मांगवा पहना है। नहीं नहीं ये मेरी है भैया, ये अभी इसको मैं टैग दिखाता हूं। शर्त लगाते हो गोल्डन का टैग है इसके ऊपर, अभी मैंने स्टिकर नहीं उतारे। बड़ी गल है, रंगा की पहचान है वे भाई। अच्छा पक्का रेडी हो, सारे रेडी हम लोग निकल रहे हैं। इस व्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं, अगला व्लॉग शुरू करते हैं इस्लामाबाद का रास्ता, और वहाँ पे हम किससे मिलने जा रहे हैं ये नहीं बताना हमने किसी को, और हम वहाँ पे मिलेंगे द वन एंड ओनली, अगले व्लॉग में बताता हूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखे, टेक केयर, मिलेंगे यू द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआ करें बस ये नहा लें फिर हम निकले। क्या कह रही है, सैडनेस गले से आ गई। माइयां नहीं खांगदी हैं सुबह सुबह, 80 तो बाऊ नहीं। मेरे ऊपर ना किसी ने ना करवा दिया है कुछ गला। क्या करवा दिया, कुछ जादू टोना तो नहीं करवाया, सिफिली अंडा पानता तो जावे चवे के केल निकल रहे के नहीं। अरे भाई उठो चलो, मेरा ना नाम लिख दे दीवारां दे उत्ते, बाबा शब्बर बंगाली, हर हर जादू की काट पलट, बीबी फातिमा जादू टोने वाली, बीबी मरियम आजकल लिखा हुआ दीवारों में, देख पड़ी कभी महबूब आपके। आगे जी अपना बहुत सारा ख्याल रखे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लड़कियां बहुत बोलती हैं फातिमा बहुत चिपकू है शब्बर के साथ। क्या मतलब है, क्या तुम्हारे साथ चिपकू है?